नमस्कार, स्क्रिप्ट बस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सांग। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सत्ता सुख मिलते ही राजद के नेता अपना पावर दिखाने लगा है। पावर दिखाने के लिए ही एक राजद नेता ने विवाद होने पर लाइसेंसी पिस्टल में हवा में फायरिंग कर दी, जो वहीं छत पर खड़े एक लोजपा नेता के पुत्र को लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया। यह घटना गुरुवार को मदनपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज में घटी है। बताया जाता है कि मदनपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज निवासी ईट भट्टा संचालक अमरजीत मेहता शिवगंज में ही राजद नेता मुरारी सोनी से ईट का 1,10,000 रुपए का बकाया मांगने उसके घर पर गए थे। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद होने के बाद यह घटना घटी। ईट भट्टा संचालक ने बताया कि बकाया रकम मांगने पर मुरारी भड़क गया और कहा कि कोई बकाया नहीं है, ईट तुमने पंचायत सरकार भवन निर्माण में दिया है जिसका मुखिया मालिक है, उसी से पैसे मांगो। इसी पर उसने कहा कि ईट पंचायत सरकार भवन के लिए ईट आप ही ले गए हैं और आपने घर बनाने के लिए भी ईट लिया है। आपके यहाँ मेरे 1,10,000 का बकाया निकलता है। इसे लेकर ही बहस होने पर मुरारी ने पास से पड़ा डंडा उठाकर उसके सिर पर दे मारा, जिससे उसका सिर फट गया। इस दौरान मुरारी ने मुझ पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी, जो पास में खड़े एक युवक को जा लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। गोली लगने से घायल हुआ युवक रितेश राज शिवगंज के ही लोजपा नेता संतोष साव उर्फ कारू का पुत्र बताया जाता है। गोली लगने के बाद युवक को आनन फानन में स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया है। अस्पताल में ड्यूटी कर रहे उपाधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार प्राथमिक उपचार के बाद घायल की हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मदक मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल युवक के पिता ने बताया कि राजद नेता द्वारा लाइसेंसी पिस्टल से चलाई गई गोली उनके बेटे को लगी है। मामले की जानकारी मिलने पर शादल बल सदर अस्पताल पहुंचे और औरंगाबाद थाना के थानाध्यक्ष सतीश बिहारी शरण ने घायल हुआ उसके पिता का बयान लिया। इसके बारे में एएसपी स्वीटी सहरावत से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि दो पक्षों के बीच कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें एक पक्ष ने हवाई फायरिंग की है और उसमें छत पर खड़े एक लड़की को, जिसका नाम रितेश है, वो 17 साल का है, उसे गोली लगी है। उनको बेहतर इलाज के लिए मदक मेडिकल कॉलेज गया रेफर कर दिया गया है। आगे उनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मदनपुर थाना छापेमारी कर रही है, जल्द ही गोली चलाने वाले को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। आवाज सुन के बाहर आया, छत पे बाहर निकला, स्नान कर रहा था, बाहर निकला और डायरेक्ट 10 गोली आया, इसको लग गया। गोली चला दी छत पे, था गोली लगते समय सामने से गोली चला दी, इसको लग गया। कौन चलाया जानता भी नहीं, तो स्नान कौन गोली चलाया। शिवगंज में सूचना मिली है मदनपुर थाना अंतर्गत कि दो पक्षों के बीच में कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें एक पक्ष ने हवाई फायरिंग की और उसमें एक छत पे खड़े लड़के जिनका नाम है रितेश, 17-18 साल वर्ष के हैं, उनको गोली लगी है। उनको बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल रेफर कर लिया गया है। आगे उनके बयान पे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आसपास के लोगों से सूचना लेकर मदनपुर थाना इसमें छापेमारी कर रहा है और जो भी इसमें दोषी होंगे उनको जल्द गिरफ्तार किया। ऐसे भी सूचना मिल रही है कि जो जिस हथियार से गोली चलाई गई वो लाइसेंसी हथियार है? अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसमें देखा जाएगा, अनुसंधान में भी आएगा कि क्या लाइसेंसी था या नहीं था, उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।